मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ हुआ। इसमें देश भर के 300 से ज़्यादा आयुर्वेदाचार्य और 1200 छात्र छात्राएं शामिल हुए। उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी पहुंची। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के समय में आयुर्वेद का महत्व सब समझ चुके हैं। अब यूपी में अपना आयुष विश्वविद्यालय है। मैंने एक दफ़ा आयुर्वेद के 100 छात्रों से पूछा कि आयुर्वेद में क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि एलोपैथी में प्रवेश नहीं मिला, इसलिए मजबूरन आयुर्वेद में आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अब दुनिया में छाने की स्थिति में है। आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने बहुत शानदार काम किया है। सीएम ने मंच से देश के नामचीन वैद्यों को भी नाम उनका लिया। मेरठ के हकीम सैफुद्दीन का भी जिक्र किया। पिछले 9 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगा करके दुनिया के अंदर छाने की स्थिति में है, और सचमुच इसका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाता है। जिन्होंने पहली बार परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को आयुष मंत्रालय के रूप में लेकर के और योग आयुर्वेद होम्योपैथ यूनानी सिद्धा प्राकृतिक चिकित्सा इन सब को लेकर के मंत्रालय का गठन किया। योग को 2016 से 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया मनाने के लिए उत्सुक है।